बता दें कि गर्मी अब अपने पूरे शबाब पर है। हड़ौती में सूरज का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोटा में पारा जहां 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है और धूप भी झुलसाने लगी। सड़कें तवे की तरह तप रही है तो घर भट्टी हो रहा है। ऊपर से लू के थपेड़ों ने लोगों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया। झुलसाती गर्मी से बचने के लिए हर कोई मुंह पर रुमाल और स्कार्फ बांध कर घर से बाहर निकलता नजर आया। तेज गर्मी से बार बार गला सूखने पर तर करने के लिए लोग शीतल पेय पदार्थ और साथ ही जूस का सहारा लेकर खुद को तसल्ली महसूस करा रहे हैं। लोग बाजारों में आने से कतराते नजर आए और इसी के चलते दुकानदारों के धंधे पूरी तरह से चौपट पड़े हैं। आखिर किस तरह से कोटा शहरवासी गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में शहरवासियों से जानकारी ली हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। आप भी देखिए, गर्मी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया है और जो सूरज की तपिश है वो लोगों को झुलसाने में लगी। इस समय मैं हूँ दादाबाड़ी इलाके में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो गर्मी से बचने का जतन कर रहे हैं, ठंडाई पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं। इनसे जानते हैं किस तरह की गर्मी है और किस तरह की ये राहत ले सकते हैं और किस तरह से ये गर्मी से बच सकते हैं। आपसे जानते हैं किस तरह की गर्मी है और किस तरह से ये आपको लगता है कि ये और कब तक जारी रहेगी और किस तरह से आप इसका बचाव कर सकते हैं? अभी फिलहाल बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है और दिन ब दिन इतना मुश्किल हो रहा है कि दोपहर में निकला नहीं जा रहा घरों से, ऑफिस से। दिन भर ऑफिस में रहने का मन करता है और अभी आगे और बढ़ेगी मेरे हिसाब से, तो इससे बेस्ट है कि हम लोग अपना ठंडा पी के थोड़ा इन्जॉय करें और घर में ही रहें, बाहर निकले ना, क्योंकि लू लगने का बहुत खतरा हो रहा है। किसी स्टूडेंट को कोचिंग जाना रहता है या हमें ऑफिस जाना रहता है तो हम जनरली टू व्हीलर की जगह फोर व्हीलर प्रेफर करते हैं और स्कार्फ बांधना रहता है, अम्ब्रेला लेना पड़ता है, इस चीज़ की वजह से लेना पड़ता है क्योंकि गर्मी बहुत है। अम्ब्रेला लेकर जा रहे, स्कार्फ बांध रहे, ग्लव्स पहन रहे, इस तरीके से जा रहे और फिर थोड़ा जूस पी रहे हैं कि हम बच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड कंज्यूम करके, पानी और जितना छास हो सकता है वो लिक्विड कंज्यूम करके अपने आप को बचा रहे हैं। किस तरह से गर्मी से लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं? 52 से 54 टेम्परेचर रेगुलर जो है वो कोटा शहर का बना हुआ है। कोटा जिले की बात करें या संभाग की बात करें तो लोगों की का प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द बारिश आए ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी से निजात मिल सके। इस समय कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, A1 TV, कोटा।